26 जुलाई 2021 को मिजोरम और असम बॉर्डर में मिजोरम पुलिस और असम पुलिस दोनों के बीच गोलियां चलाई गई थी। इस बारे में कई गलत सूचना दी गई है, जिसमें बड़े से बड़े न्यूज़ चैनल वालों ने मिजोरम को दोषी माना, क्योंकि असम वालों ने मीडिया पर झूठ की सराह बिछाई रखी है। इस छोटे से वीडियो पर हम सच्चाई की बात कहने वाले हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि कृपया इस सच्चाई को सुने। सबसे पहले सोचने की बात यह है कि असम अपने पड़ोसी राज्यों के साथ हमेशा क्यों लड़ते रहते हैं। नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल आदि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ भी बॉर्डर को लेकर इनका विवाद होता रहता है। मिजोरम के साथ सालों से बॉर्डर इश्यूज में अनेक विवाद चला रहा है, लेकिन विवाद को सुलझाने एवं शांति बनाए रखने के लिए मिजोरम कोशिश करते चले रहा है। असामियों ने हमारे ज़मीन के कई हिस्से भी छीना है, लेकिन बर्दाशी की हद भी होती है, जिस कारण से ये घटना घट गई। असम पुलिस के जवानों के जान जाने के हमें भी अफसोस है। ट्विटर में सिविल लोगों के बारे में कुछ भी असम चीफ मिनिस्टर ने कहा, उसका उत्तर हम ऐसा देना चाहते हैं, सर अगर आपके राज्य और सीमावर्ती गांव में पड़ोसी राज्य के पुलिस जबरदस्ती करके वहां से आपको निकालने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? चुपचाप बैठकर ऐसा होने देंगे क्या? असम पुलिस केवल बॉर्डर में नहीं आया, वायरेंटे गांव के ओर आगे बढ़कर गांव के ऑटो स्टैंड तक आकर कैंप बनाने की कोशिश भी किया, जिसके कारण ही वायरेंटे गांव के जनता अपना जमीन, अपना अधिकार बचाने के लिए बंदूक लेकर आए असम पुलिस का सामना किया। मिजोरम कोई हंगामा नहीं चाहता है, बल्कि मिजोरम भारत की सबसे शांति प्रिय राज्य है, पर हंगामा और हिंसा की दृष्टि से अगर असम पुलिस हमें लड़ करते रहेंगे, हम मिजो लोग अपने भूमि को सुरक्षित रखने के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार हैं। अफसोस की बात यह है कि बंदूक चलाना पड़ा, इसका हमें भी दुख हुआ है, लेकिन असम पुलिस वालों ने मिजोरम में आकर मिजो लोगों पर टियर गैस तथा ग्रेनेड फेंके और गोली चलाकर हमला किया। मिजोरम पुलिस के पास अपने राज्य और लोगों को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, इसलिए मिजोरम पुलिस ने गोली को गोली से ही जवाब दिया। यह सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य को बचाने के लिए है। अगर असम पुलिस वाले मिजोरम तथा मिजोरम के जनता पर हमला शुरू नहीं करते तो मिजो उन पर कभी हमला नहीं करेंगे। याद रखिए, फायरिंग के कुछ समय पहले असम के लगभग 200 पुलिस कर्मचारियां मिजोरम में घुसकर भारी हथियारों के साथ आए हैं, बंदूकें और बहुत सारे गोलियों के साथ, और मिजोरम पुलिस पोस्ट से 10 मिजोरम पुलिस को जबरदस्ती निकाल दिया। इससे बात बिगड़ने लगे, लेकिन तब भी मिजोरम ने गोली नहीं चलाया। एक और बात, लगता है असम सरकार बांग्लादेशी प्रवासियों के लिए चारों तरफ अपना राज्य सीमा बढ़ाना चाहते हैं। इन बांग्लादेशी प्रवासियों को बसाकर शायद वोट भी काफ़ी ज़्यादा मिले भी होंगे, किसने पता। अंत में यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की सीमावर्ती विवाद के कारण आम जनता पर या यात्राओं मुसाफिरों पर हमला करना बंद किया जाए, जिस तरह उस दिन मिजो पति पत्नी और उनके गाड़ी पर हमला हुआ, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, केवल यहाँ ही नहीं बल्कि सभी जगह पर। सब अराजकता के बीच मिजो लोग किसी गैर मिजो को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं और ना ही किसी की जान लेना चाहते हैं, लेकिन हम अपने ज़मीन और अधिकार से किसी भी तरह हटने वाले नहीं हैं और इसकी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरी भूमि है। जय हिंद।